नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ शुक्ला और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मिडिल रेंज थियरी, यानी मध्य अभिसीमा सिद्धांत। आपको बताना चाहेंगे कि जो मिडिल रेंज थियरी है, यानी जो हमारी मध्य अभिसीमा सिद्धांत है, इसके बारे में बात करी है आर के मर्टन ने, जो कि एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं। और आर के मर्टन ने मिडिल रेंज थियरी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया क्योंकि आर के मर्टन को ऐसा लगता था कि समाजशास्त्र में ऐसे सिद्धांतों का आविष्कार किया जाना चाहिए या फिर सिद्धांतों का निर्माण इस प्रकार से होना चाहिए जिन्हें कि आसानी से समझा जा सके और आसानी से पढ़ा जा सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिडिल रेंज थियरी के बारे में। तो लास्ट तक वीडियो को देखें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं आर के मर्टन के बारे में। आर के मर्टन की एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब आई जिसका नाम था सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। आपको पता होगा आर के मर्टन की ये बुक काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती है और इम्पॉर्टेंट भी है, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। इस किताब में मर्टन ने बात करी मिडिल रेंज थियरी की, जिसको कि हम मध्य अभिसीमा सिद्धांत या फिर शॉर्ट में हम MRT भी लिखेंगे। हालांकि मर्टन से पहले सोशल साइंसेज में या फिर समाज विज्ञानों में इसका प्रयोग TH मार्शल साहब कर चुके थे। आपने TH मार्शल का नाम तो सुना ही होगा। TH मार्शल ने 1946 में मध्य अभिसीमा सिद्धांत या फिर मिडिल रेंज थियरी को के बारे में बात करी थी और बताया था कि सिद्धांतों को मिडिल रेंज का होना चाहिए। तो मिडिल रेंज थियरी को समझने से पहले हमें ये बात समझनी होगी कि अगर मिडिल ये है तो इसका मतलब जब हम किसी चीज़ को मिडिल में रखते हैं तो इसका मतलब कोई एक चीज़ है जो कि उससे बड़ी है और कोई एक चीज़ है जो उससे छोटी है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। आर के मर्टन का बेसिक फोकस इस बात पर था क्योंकि एक तरफ तो वो कहते हैं कि समाज में एक ऐसे सिद्धांत बनाए जा रहे हैं जो कि मैक्रो हैं, यानी वृहद स्तर पर बनाए जा रहे हैं, जिनका काम बहुत ही बड़े लेवल पर सिद्धांत कवर करना है, वृहद समाज का अध्ययन करना है और ऐसे जनरलाइजेशन या फिर ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करना है जिसे कि संपूर्ण समाज पर लागू किया जा सके। लेकिन यहाँ पर मर्टन इसकी बात नहीं करते हैं। मर्टन का कहना है समाजशास्त्र दो गुटों में बटा हुआ है। एक गुट तो वो है जो मैक्रो स्ट्रक्चर्स की स्टडी करता है, वहीं दूसरा गुट वो है जो माइक्रो सोसाइटी की या फिर सूक्ष्म स्टडी करता है, सूक्ष्म सिद्धांतों की। तो जो मैक्रो वाला है, जिसको हम वृहद समाज का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त मानते हैं और संपूर्ण समाज पर लागू करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो माइक्रो स्ट्रक्चर है हमारा, जिसको कि हम छोटी इकाइयों का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त मानते हैं। अब जैसे अगर आप देखें तो मर्टन के गुरु जी ही, जैसे कि टालकट पार्सन्स ने जो सिद्धांत दिया सोशल सिस्टम का, सोशल स्ट्रक्चर का, आप अगर देखें तो ये कितने वृहद सिद्धांत हैं। और इवन ग्रैंड थियरीज कहा भी जाता है टालकट पार्सन्स के सिद्धांतों को। तो मर्टन का बेसिक उद्देश्य था कि जो मैक्रो सोशल स्ट्रक्चर की थियरीज हैं और माइक्रो स्ट्रक्चर्स की थियरीज हैं, इनके बीच में से एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि आसानी से समझा जा सके। तो जैसे जब हम माइक्रो स्टडी करते हैं या फिर माइक्रो स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं तो जैसे कि इसमें केस स्टडीज आ जाती हैं, जो भी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति आप देखते हैं, किसी एक छोटे केस की स्टडी करते हैं तो ये बहुत छोटी होती हैं, वहीं दूसरी तरफ जब हम वृहद स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं तो बहुत बड़ी होती हैं। तो वृहद स्ट्रक्चर्स की दिक्कत ये है कि वो उनका दोबारा से उनको टेस्ट नहीं किया जा सकता है, दोबारा से उनको पढ़ा नहीं जा सकता है। और सीमित सिद्धांतों की, जो छोटे सिद्धांत हैं या माइक्रो स्ट्रक्चर्स की जो थियोरीज हैं, इनकी लिमिटेशन ये है कि इनको आप संपूर्ण समाज पर लागू नहीं कर सकते। इसीलिए मर्टन कहते हैं कहीं ना कहीं हम इन दोनों सिद्धांतों को एक पूर्ण रूप दे पाने में सक्षम नहीं है। इसीलिए मर्टन बात करते हैं मिडिल रेंज थियरी की, और उनका कहना है कि जो मिडिल रेंज थियरी है, जिसको हमने अभी आपको बताया था कि हम MRT भी लिखेंगे, तो MRT की विशेषता बताते हैं कि वो इन दोनों के बीच की स्थिति है, यानी ना तो बहुत ही ज्यादा वृहद है और ना ही बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। वो मैक्रो और मैक्रो के बीच में से जो रास्ता निकलेगा उसकी स्थिति है। तो यानी कि अगर यहाँ पर हम देखें तो अगर सरल शब्दों में कहें तो इन सोशल थियरी, ये अगर आप चाहें तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, इन सोशल थियरी, सोशल
सोशल स्ट्रक्चर इन इन सोशल थियरी मिडिल रेंज थियरी इज अ प्रिंसिपल यूज्ड इन सोशियोलॉजी यूज्ड इन सोशियोलॉजी टू गाइड एम्पेरिकल इंक्वायरी एम्पेरिकल इंक्वायरी। जैसा कि आप परिभाषा से ही समझ पा रहे होंगे कि अगर हम सामाजिक सिद्धांत में मध्य अभिसीमा सिद्धांत की बात करें, तो मध्य अभिसीमा सिद्धांत से हमारा मतलब एक ऐसे सिद्धांत से है जो कि समाजशास्त्र को गाइड करना चाहता है, लेकिन अनुभाविक तरीके से, यानी हम उसको बार बार चाहें तो उसको टेस्ट कर सकें और उसे एम्पेरिकली रूप से वेरीफाई कर सकें। यानी मर्टन का यहाँ पर सीधा सीधा यही कहना है कि वो एम्पेरिकली टेस्टेबल होनी चाहिए, जिसको कि हम समय पड़ने पर दोबारा से एनालाइज कर सकेंगे। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। मर्टन कहते हैं कि जो मिडिल रेंज थियरी है या फिर जो मध्य अभिसीमा सिद्धांत है, ये इन दोनों के बीच की ही स्थिति है, यानी बृहद और सूक्ष्म के बीच की स्थिति है। ना तो ये इसे हम संपूर्ण समाज की स्टडी करने के लिए रखेंगे और ना ही इसमें बहुत सूक्ष्म स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम इससे क्या करेंगे, एक मध्य मार्ग को निकालेंगे और जिससे कि हम मध्य अभिसीमा सिद्धांत कहेंगे। इसके बाद लेकिन यहां पर आप इसे ये ना समझें कि मध्य अभिसीमा सिद्धांत तार्किक नहीं होंगे। मर्टन इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि जो मिडिल रेंज थियरी बनेगी वो पूरी रूप से तार्किक होगी, कहीं बिल्कुल तार्किक अवधारणा होगी। बस अंतर इतना है कि ये व्यापक क्षेत्र न कवर करते हुए सिर्फ एक सीमित क्षेत्र से कवर करेगी। और इन सिद्धांतों का जो काम होगा, पहली तो बात, इन सिद्धांतों का काम यह है कि ये छोटी छोटी उपकल्पनाएं बनाएंगे या प्रकल्पनाएं जिन्हें आप कहते हैं, ये छोटी छोटी हाइपोथेसिस बनाएंगे और जो मैक्रो स्ट्रक्चर्स हैं यानी जो बृहत संरचनाएं हैं उनके बीच की खाई को पाट करके ऐसे सिद्धांतों का जो है ऐसे सिद्धांतों को गढ़ेंगे जिनका बार बार पुनर्परीक्षण कर पाना संभव हो सके। क्योंकि अगर कोई भी विज्ञान आनुभविक रूप से उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं फिर वो हमारे काम का नहीं रह जाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें एम्पेरिकली जो हमारे मिडिल रेंज थियरीज हैं ये एम्पेरिकली ऑब्जर्वेबल हैं। तो फर्स्टली वी एम्पेरिकली ऑब्जर्वेशन ऑफ द थियरी एंड आफ्टर दैट वी सेलेक्ट द कॉमन फीचर्स। ये एक बड़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है मिडिल रेंज थियरी में कि सबसे पहले तो हम कुछ घटनाएं लेंगे, उन घटनाओं की स्टडी करेंगे और उन घटनाओं की स्टडी करके जो कॉमन फीचर्स हमें मिलेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये बात, जो कॉमन फीचर्स हमें मिलेंगे उन कॉमन फीचर्स की हम एक लिस्ट बनाएंगे और उन लिस्ट के आधार पर हम उसे जज करेंगे या फिर उन लिस्ट के आधार पर हम जिस थियरी का निर्माण करेंगे वो हमारी कहीं ना कहीं मिडिल रेंज थियरी का काम करेगी। तो मिडिल रेंज थियरी ये है कि हम सबसे पहले एक आनुभविक रूप से सिद्धांत निर्माण करेंगे और फिर उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ इसके बाद जो दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है कि मिडिल रेंज थियरी की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, क्योंकि इस बार इसे मास्टर्स के सिलेबस में भी शामिल किया गया है और बीए वाले बच्चों के लिए भी ये जरूरी है कि मिडिल रेंज थियरी की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो यहां पर हम चलिए विशेषताएं देख लेते हैं। मिडिल रेंज थियरी की विशेषताएं क्या हैं? पहली तो मिडिल रेंज थियरी की विशेषता यह है कि ये तार्किक आधार पर निर्मित होती हैं, यानी इनका निर्माण जो होता है वो तार्किक आधार पर होता है। तो अगर आपको लिखना होगा तो आप इस तरह से पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि पहली विशेषता तो यह है कि तार्किक आधार पर डेवलप होंगी। दूसरी विशेषता यह है कि ये पूरी तरीके से आनुभविक है, यानी एम्पेरिकली टेस्टेबल है। यहाँ पर आप ये ना सोचते, इंग्लिश में भी हेडिंग्स अगर आप लिखना चाहते हैं साथ ही साथ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहली तो बात ये जो होंगी ये पूरी तरीके से रैशनल और लॉजिकल होंगी, लॉजिकल बेस्ड होगा इनका। और दूसरी बात यह है कि ये एम्पेरिकली टेस्टेबल होंगी, यानी आनुभविक परीक्षण इनका किया जा सकेगा। क्योंकि जब कई बार ऐसा होता है बहुत ग्रैंड थियरीज बनाते हैं तो ग्रैंड थियरीज का वो कर पाना संभव नहीं होता है, लेकिन जब हमारी मिडिल रेंज थियरी होगी तो हम आसानी से उसको टेस्ट कर सकेंगे। तो मर्टन दूसरी विशेषता इसकी बताते हैं कि इसका आनुभविक परीक्षण कर पाना संभव होगा। तीसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि
ये सिद्धांतों से अलग है या फिर ये थियरी नहीं माना जा सकता, बल्कि अंतर बस इतना है कि इसमें हम जितने भी तरह के हमारे समाज के जो मुद्दे हैं, जो भी हमारे सोशल इश्यूज हैं, हम उनको शामिल करेंगे और उनके आधार पर इनको स्टडी करेंगे। जो लघु समाजशास्त्रीय सिद्धांत और वृहत समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के बीच का जो अंतर है, ये मिडिल रेंज थियरी उस खाई को पाटने का काम करेगा और ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करेगा जिसे कि पूरे आसानी से दोबारा समय पड़ने पर टेस्ट किया जा सके और उसको जो है समझा जा सके। अच्छा, इसके बाद जो बात आपको जाननी चाहिए वो ये है कि हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिडिल रेंज थियरी का इसके पहले भी प्रयोग किया जा चुका था टीएच मार्शल के द्वारा, और साथ ही साथ कुछ और जो प्रमुख पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की दृष्टि से, वो ये कि एएम रॉस एक नाम आता है यहाँ पर, एएम रॉस, उन्होंने इस मिडिल रेंज थियरी को सीमित सिद्धांत कहा है। वो कहते हैं कि इसे सीमित सिद्धांत कहा जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड एरिया के लिए काम करता है और बहुत ही सीमित रखता है अपने आप को। तो एएम रॉस इस सिद्धांत को सीमित सिद्धांत कहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है कि किसने इस सिद्धांत का समर्थन किया और कौन लोग हैं जो इस सिद्धांत के समर्थन में हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो इस सिद्धांत काफ़ी पॉपुलर तो रहा ही, जैसे कि आप जानते ही हैं ये सिद्धांत सोशियोलॉजी में काफ़ी पॉपुलर हुआ। और दूसरी बात, चाहे वो कार्ल मैनहीम हो, कार्ल मैनहीम की आप लिख लीजिए चाहे तो नोट कर लीजिए, कार्ल मैनहीम की एक बुक आई थी जिसका नाम था प्रिंसिपल मीडिया, पूछा भी जा सकता है एग्जाम्स में प्रिंसिपल मीडिया, उसमें कार्ल मैनहीम ने मिडिल रेंज थियरीज की बात करी है। जॉन स्टुअर्ट मिल, आपने नाम सुना होगा, स्टेटमेंट काफी एक जॉन स्टुअर्ट मिल का काफी फेमस हुआ, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बताएं वो स्टेटमेंट क्या है, सोशियोलॉजी की डेफिनेशन को लेके है, हिंट ले लीजिए। तो जे एस मिल की एक बुक आई जिसका नाम था मिडिल प्रिंसिपल्स, तो उसमें भी ये लोग जॉन स्टुअर्ट मिल इस बारे में बात करते हैं कि मिडिल प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए और मर्टन का समर्थन करते हैं, चाहे वो किंग्सले डेविस हो, चाहे वो फ्रैंक हॉकिंस हो, इन सभी लोगों ने मर्टन के सिद्धांत का समर्थन किया है और कहा है कि सिद्धांतों को इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए जिससे कि वो बड़े स्तर पर उनको हमेशा आनुभविक रूप से टेस्ट किया जा सके। क्योंकि जब तक रिसर्च में हम किसी चीज़ को वेरीफाई नहीं करेंगे, जब तक हम रिसर्च में किसी चीज़ का टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक हम ना ही समाजशास्त्र को विज्ञान बना पाएंगे और ना ही समाजशास्त्र को ये जो विज्ञान बनाने की जो हमारी चाह है ये पूरी हो पाएगी। और समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हम अपने सिद्धांतों का समय समय पर परीक्षण करते रहें, और परीक्षण तभी कर पाएंगे जब वो मिडिल रेंज के होंगे, क्योंकि अगर बहुत वृहद सिद्धांत हम बनाएंगे तो उनका परीक्षण कर पाना संभव नहीं होगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द ही हम लोग अगली वीडियो मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, किस टॉपिक पर आप अगली वीडियो चाहते हैं, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, थैंक यू।